नाउ क्या होगा बोलो? तुम बहुत धीरे लिखती हो, कहाँ है लेबर? सर वो क्वेश्चन नंबर 5 का सी। लेबर इन्वॉल्व जो इसमें लगे हुए हैं बिल्डिंग बनाने में, ठीक है? लेबर इन्वॉल्व तो क्या होगा? इट विल लीड डेथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक फीवर। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर इट इज रिलेटेड टू, ठीक है, साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई, तो उससे रिलेटेड है। इट इज प्रीवेलेंट इन रूरल एरिया, ठीक है। इट इज प्रिवेलेंट, देखो इसमें भी आ गया प्रिवेलेंट टू, बनी रहती है। प्रिवेलेंट का मतलब है बनी रहती है। किस प्रकार की सीजन में? रूरल एरियाज। अब देखिए, सो सच हंगर इज ऑल्सो देयर दैट इज कैजुअल लेबर्स सफर लैक ऑफ जॉब ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड इट ऑल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ सीजनल। रेन सीजन में कौन कंस्ट्रक्शन कराएगा? सो दूसरी चीज क्या है? कैजुअल लेबर सफर लैक ऑफ जॉब, कैजुअल लेबर सफर फ्रॉम lack of job during rainy season, construction site पे जो काम करते हैं rainy season। This is a kind of seasonal hungerness in urban areas। Seasonal hungerness in जब आप नटवाड़ा में जाओ तो आपकी गाड़ी रुकते ही 20 मजदूर दौड़ते हैं आपके पास। अगर आपको एक चाहिए हो, हमें ले लो साहब, हमें ले चलो, हम 500 में कर देंगे, हम 450 में कर देंगे। दौड़ते ही मतलब नहीं काम मिल जाए आज के। और सुबह 7 बजे से आके बैठते हैं जबकि 9 बजे लोग बुलाने आते हैं, सोचते हैं पहले से। वही एक आलू के पराठे की एक ठेला लगता है जो 20 रुपए के 2 पराठे देता, वहां भी भीड़ लगी रहती, वहीं वो खाते हैं। उससे ज्यादा वो खा ही नहीं सकते पैसे का, तो सस्ता ठेले वाला है उनको खिलाता है, वो खाते हैं। कभी जाना सुबह 9 बजे तो ये बात ध्यान देना कि कैसे मजदूर वहां खड़े हैं, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि भूखे लोग कैसे होते हैं। बहुत सारे भूखे भी होते हैं उसमें, लेबर लोग होते हैं वो भूखे रहते हैं। अब जरा देखो, क्रॉनिक हंगर इज कंसिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पुअर पीपल, तो जो पुअर पीपल है ना, सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर, फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। जब मेरे फादर स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में काम करते थे तो उनके और 7 भाई थे, और मेरे जो बाबूजी थे, यानी पिताजी के पिताजी, वो शराबी थे, घर का खर्चा नहीं चला पाते थे।
और उनको चाइना का जो 62 का बार हुआ था तब वो हाई स्कूल में फेल ही थे हमारे पिताजी, लेकिन उनको नौकरी लग गई। तो अब इतना कर्जा चढ़ गया कि उनको वो कर्ज उतारना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने एक बोरी गेहूं ला दिया और चक्की रखी थी घर में और नमक का एक पैकेट रख दिया। बोला अगर कर्ज हमें उतारना तुम लोगों को यही खाना है, ये गेहूं पीसो और ये नमक है। तो जो हमारी बुआ है चाचा है वही रोटी बनती थी, किसी को बताया नहीं गया आसपास कि हम लोग गेहूं रोटी खाते हैं, चुपचाप बैठ के खा लेते थे। तो ये महीनों चला इस चीज को क्रॉनिक हंगरनेस बनाने कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आप दूध पी नहीं सकते। इवन हमारा भी जब मकान खरीदा गया तो कई महीनों दूध ही नहीं है, नहीं है, है नहीं। 2 रुपए का एक छटाक देता था, वो 2 रुपए ही नहीं लेते थे, ये भी बात होती थी। तो इस तरीके से पहले मिलता था, तो समझ में आई ना हंगरनेस कि पैसे सब चीज बिक गई कि जमीन लेनी है, ऐसा होता है। तो पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगरनेस। अब उन्होंने मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पर 1 करोड़ का घर दिला दिया, बचत फिर बाद में होती गई, और मेरे भाई को 1,60,00,000 का बम्बई में दिला दिया। अभी भी वो बाजार में जाते हैं तो ये देखते हैं जो सबसे सड़ा पपीता होता है वही वो खरीदते हैं, क्योंकि ये जो बचत की आदत हो जाती ना, उन्होंने देखा है कि पैसा कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए ऐसा करने। हम लोगों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया लेकिन फिर पैसा वो नहीं खर्च कर सकता, हम लोग ने उतना नहीं देखा है तो हम लोग खर्च कर देते, लेकिन पिताजी कहते नहीं। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो वो व्यक्ति के फिर एक इंप्रेशन पड़ जाएगा कि नहीं हम लोग नहीं समझ सकते कि क्यों बचा रहे हैं, अब तो इनके खुद के अकाउंट में 60-70 लाख है 80 ईयर्स के, क्यों बचा रहे हैं। लेकिन वो इसलिए बचा रहे हैं, उन्होंने वो देखा है वो खर्च नहीं कर सकते अपना। बात समझ आई कि नहीं? तो क्रॉनिक हंगरनेस का मतलब है इट इज इनकैपेसिटी, पुअर पीपल हैव इनकैपेसिटी टू बाई फूड। तो उसको क्या कहेंगे बोलो? क्रॉनिक हंगरनेस। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ऐसा पुअर पीपल हिट्स में आता है। नाउ एज दे हैव वेरी लो इनकम so they cannot buy food in enough food for their survival, as they have very low income, वो कहीं भी काम करते हो low income, so they do not have enough money for their survival। अब देखिए नेक्स्ट इज व्हाट हैज अवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर, डिस्कस एनी 2 स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया NFWP, उत्कर्ष इसका फुल फॉर्म क्या है? NFWP। हाँ बोलो। नेशनल फूड फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम। सो इसको देखें, 2 प्रोग्राम के बारे में हम लिखेंगे। व्हाट हैज अवर गवर्नमेंट डन टू एनकाउंटर फूड इनसिक्योरिटी, व्हाट हैज अवर गवर्नमेंट डन to provide food security in India। बताओ हमारे यहाँ जो food security in India का विभाग कौन सा है, कौन सा department है? FCI। और FCI के अंदर में क्या आता है जो food की quality की जांच करता है? FCCI। बोलो। FSSAI का full form बताओ। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उसी के अंदर। चलो डिस्कस एनी 2 स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट।
पढ़ते हैं, NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। It was launched on 14th November 2004 in 150 most backward district of country. It was launched on 14th November 2004 in 150 most backward, ठीक है, 543 तो सिटीज हैं और उसमें 150 543 जिले हैं जिसमें से 150 अत्यंत गरीब हैं, तो मतलब आप समझिए 543 इतनी लोकसभा सीटें भी हैं, हर जिले से एक होती है, तो 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है, with the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment. Program is open to all rural people who are in need of wage employment and desire to do manual unskilled work. The program, ये किसके लिए open है? Program is open to all rural, रूरल में खींचा गया, रूरल पुअर पीपल, ठीक है, हु आर इन नीड, जिन्हें पगार चाहिए, ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड आर रेडी टू डू अनस्किल्ड वर्क, जैसे गड्ढा खोदना है इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, उनसे वैसे काम, एंड आर ready to do unskilled work, ठीक है, it is implemented as a 100% centrally sponsored scheme and food grains are provided to states free of cost. It is center sponsored, इस राज्य सरकार नहीं चलाती, मनरेगा की तरह, so it is centrally sponsored scheme. हो सकता है मुझे इन दोनों में ये फर्क समझ में आ रहा है कि जो ये है ना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, मनरेगा 100 दिन के लिए चलती है, लेकिन जो भूखा हो अगर कहे मुझे काम के बदले खाना दो, उसके लिए मुझे लगता है 365 दिन चलेगी, काम के बदले जो खाना जा रहा है उससे ज्यादा अर्जेंट कोई है क्या? फूड फॉर वर्क की स्कीम अगर तुम उस पर काम करना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन रोजगार मिलेगा, और तुम चाहते हो कि हमें वेजेस मिले तो सुन ले, बात समझ आई कि नहीं? लेकिन फिर भी इन्होंने फूड नहीं लिखा कहीं, तो क्वेश्चन में भी नहीं लिखा, इसमें लिखा है हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज का मतलब पगार होती है, वही लिख देना। सेकेंड इज त्रिशु ए ए वाई बोलो, अंत्योदय अन्न योजना, हाँ अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय का क्या मतलब है? फॉरेस्ट ऑफ द बोलो, फॉरेस्ट ऑफ द फिर से बोलो, फॉरेस्ट ऑफ द पुअर, फॉरेस्ट ऑफ द पुअर, सही बात है, जो सबसे गरीबों में जो गरीब हो, जो गरीबों से भीख मांग के गुजारा है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर, it was launched in December, जो त्रिशु से ब्रेड बटर मांगे, त्रिशु कहे हमारे पास ही खाने को नहीं, मैं खुद ही माल न्यूट्रिशन हूँ, दूसरे हो जाए। अब देखो, under this scheme 1 crore of the poorest among the BPL families covered under the targeted public distribution scheme. इसमें क्या होता है कि that is कितने लोग, 1 crore people
आर कमिंग अंडर पीडीएस सिस्टम, उनको फ्री खाना अनाज दे रहे हैं, बाटरी को पैसा भी नहीं दे रही, तो ठीक है। इन दिस 1 करोड़ पुअर बीपीएल फैमिलीज आर आइडेंटिफाइड, इन दिस 1 करोड़ पुअर, बीपीएल का ही मतलब करोड़ होता है, बीपीएल फैमिलीज आर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है अंडर पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या किया गया है, 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स इज मेड अवेलेबल टू ईच फैमिली एट ए हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, 2 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं, एंड 5 किलोग्राम हर मेंबर के लिए पर मंथ, किलोग्राम वीट फॉर ईच मेंबर ऑफ फैमिली। तो इसके लिए बीपीएल कार्ड भी चाहिए होगा। AAY का आपको मिलेगा कार्ड, ये बीपीएल कार्ड होगा, वो सब एक ही है। सब मेंबर को मिलेगा फैमिली। हाँ, जितने लोग होंगे, हम लोग ने बहुत दिनों तक कंट्रोल का खाना खाया है, तो वहाँ से हम लोग लेने जाते थे, कई बार खड़े रहते थे काफ़ी देर तक, फिर दुकान खुलती थी तो ऐसा होता था, तो वहाँ सस्ता सामान मिलता है, थोड़ा मोटे दाने मिलेंगे, आप अच्छे से साफ करो धो तो खा सकते हो। तो फॉर ईच मेंबर ऑफ फैमिली, और हमारे पिताजी ने पूरा जिंदगी कंट्रोल का ही खाना खाया है, वो लोग बाहर से कभी खरीदते ही नहीं थे, जो सस्ता मिलता था वो ले लेते। Now, each, इसमें क्या होता था, 5 किलोग्राम फॉर ईच मेंबर ऑफ फैमिली पर मंथ है क्या, पर मंथ किस रेट पर बोलो, एट हाईली सब्सिडाइज कितना है, 1 रुपए किलो ये उन्होंने शुरू किया था आंध्र प्रदेश में, नायडू ने, फिर कौन है बीपी नायडू, चंद्र बाबू नायडू ने, फिर उसका पूरे देश में चल गया, 2 रुपए किलो चावल था, अब 2 रुपए किलो गेहूं मिलने लगा, ₹2 per kg वीट ना, वीट लिखा कि नहीं, तो ₹2 per kg वीट है, एंड ₹3 kg फॉर राइस, एंड ₹3 राइस भी लिख देना, 5 किलोग्राम वीट और राइस है, दोनों चीज तो नहीं देंगे, दोनों ही है वीट और राइस, वीट एंड राइस, वीट और राइस एक ही चीज देंगे, एंड एंड राइस ₹3 per kg और राइस, और ये किसके लिए, वीट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। दिस क्वांटिटी हैज बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002, पहले 5 किलोग्राम था, स्कीम हैज बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 लाख बीपीएल फैमिली और जोड़ दी गई, और 2 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कवर्ड, फिर इसके बाद अभी 2 करोड़ हो गई, 50-50 लाख 2 बार जोड़ी गई हैं, तो अभी 2 करोड़ लोग इसके अंतर्गत पा रहे हैं, और जो राशन तुम 5-5 किलो पाती थी, अब वो 25 किलो और 35 किलो है ना, ऐसा लिखा गया है, दैट इज दिस क्वांटिटी हैज बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, दिस क्वांटिटी हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है, फ्रॉम यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग, 25 to 35 kg, एंड नाउ 2 करोड़ पीपल्स आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, 2 करोड़ पीपल आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। Why is buffer stock created by the government? Government ऐसे खाद्य भंडारण क्यों करती है?
खाने के लिए कई बार अचानक स्कैरसिटी हो जाती है, तो अगर नहीं होगा गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक, तो तुमको मालूम है प्याज की कीमत 120 130 हो गई थी बीच में, और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई थी। अगर बफर स्टॉक है तो थोड़ा थोड़ा फिर वो ट्रक में ला के खड़े नहीं हो जाते थे प्याज वाले, बेचा करते थे, तो बफर स्टॉक है तो उससे बेची जा सकती है। पहले मीनू भी देखो, सलाद विच प्याज 60 रुपीज, विदाउट प्याज 20 रुपीज। मीनू में मीनू ही लोगों ने बदल दिया, प्याज के साथ चाहिए सलाद तो 60 रुपए। अब देखो, वाई इज बफर स्टॉक क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट? स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, बफर स्टॉक मेनली व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक होता क्या है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स kept under reserve by Food Corporation of India, वही तो रखती है। APS अन्नपूर्णा स्कीम, ये इंदिरा रसोई होगी। होता क्या है? 8 रुपए की थाली और 5 रुपए का ब्रेकफास्ट, 8 रुपए का लंच डिनर और 5 रुपए का ब्रेकफास्ट। ये बहुत जगह चलती है, तो इसमें IIT स्कूल के सामने भी एक है, वो उसमें इंदिरा रसोई लिखा है, ठेले पे है पूरा, एक जैसे गाड़ी नहीं होती फूड की वैसी है, इंदिरा रसोई लिखा है, वहां जाके खाओ। सो इट यहाँ जो रिक्रूटमेंट होता है तो वही जो पहले थे गहलोत सरकार, तो वो इंदिरा रसोई यहाँ लाके खड़ी कर देती, सरकार की भी उसमें स्कीम है, सरकार का फायदा होता तो लोग वोट देते थे उनको। तो इट इंक्लूड्स वीट एंड राइस ही मेनली है इसका बफर स्टॉक है, ये खराब भी जल्दी नहीं होता। नाउ FCI परचेजेस सरप्लस वीट एंड राइस फ्रॉम द स्टेट वेयर देयर इज ए सरप्लस प्रोडक्शन। FCI परचेज करती है, परचेजेस इट फ्रॉम द स्टेट्स हैविंग सरप्लस प्रोडक्शन, जैसे पंजाब हरियाणा सरप्लस प्रोडक्शन जहां ज्यादा होगा, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन एंड स्टोर्स इट इन ग्रेनरीज जहां अनाज के गोदाम होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? ग्रेनरीज, अनाज गोदाम, ठीक है। Buffer stock is created by government to distribute these grains in the deficit area and among the poor people of society at lower price than the market price. तो ये क्यों किया जाता है? अब आंसर आएगा। It is stored by government to distribute it. इस सेंटेंस को पूरा करो। reasonable
कोई बात नहीं। हाँ बोलो। To distribute food grains in deficit area at a price lower than the market. To distribute, it is stored in food deficit states. तुम कान की कच्ची हो, तुम सुन नहीं पाते हो। जैसे उसकी बात तुम्हें चार बोलती है, नोएल क्या बोले है, क्या करी नोएल, समझ नहीं पाती। वो चार बार बताती तब एक बार समझती हो, ऐसे मैं दो बार बोलता हूँ तब तुम एक बार समझ पाती। वो लोग समझ ले रहे हैं, वो बेचारा समझाती है ऐसा होता है, मैं फिर बताओ जरा कैसे है। जी जी, हमने देखा जब तुम बात करते हो ना पकड़ नहीं पाती है। अब जरा हाँ अब बोलो, उसने क्या बोला पकड़ी। To distribute in food, फिर से बोलो पकड़ेंगे, देखो कितना पकड़ो। In food deficit area at a price lower than the market. Food deficit area या states, इसमें distribute करेगी states government and to poor people. इस सेंटेंस को भी पूरा करो अभिषेक। At a price lower than the market. तुम पूरा पकड़ लेते हो। At a price. Learning is listening. Art of listening is learning. जिसने अच्छा सुना उसको घर में किताब ही देखने की जरूरत नहीं, सुन सुन के लोग ज्ञानी बन गए। Price lower than, ठीक है, मार्केट प्राइस, इसीलिए तो उनका नाम सुनाना है, सुहाना नाम है तो लोअर देन मार्केट प्राइस। ओके नाउ इसीलिए होता है। इट आल्सो हेल्प्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन फेमाइंस, ये कह सकते हैं कि डिजास्टर्स एंड कैलेमिटीज है ना। इट आल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू काउंटर द सिचुएशन ऑफ डिजास्टर एंड कैलेमिटीज। तो तीसरी बात, एक तो पहली बात ये बफर स्टॉक है क्या, फिर ये किसको दिया जाता है, और तीसरी क्या चीज है, इट आल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू फेस एडवर्स सिचुएशन। हाँ टिशु सेंटेंस पूरा करो। नोएल, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द बफर स्टॉक, ये बताओ इस सेंटेंस में। इट ऑल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू फेस एडवर्स सिचुएशन, आगे बोलो। ड्यूरिंग एनी कैलेमिटी, हाँ दैट इज क्रिएटेड बाय अ ड्यूरिंग है ना, ड्यूरिंग कैलेमिटी, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, और डिजास्टर। आगे देखिए, राइट नोट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुमकुम बोलो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। अस्मिता बोलिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक, इश्यू प्राइस, फेयर प्राइस ऑफ, चार चीजें पूछी गई, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलो। FCI purchases wheat and rice from the farmers where there is a surplus production. Farmers are paid a pre-announced price. So FCI purchases, वो जहां deficient है वहां नहीं खरीदती, क्योंकि वहां खरीद लेगी तो मार्केट में अनाज कम हो जाएगा और रेट बढ़ ही जाएंगे, काला बाजारी, जहां ज्यादा है वही खरीदेगी, कम वाले से खरीद लेगी तो वहां तो खत्म ही हो जाएगा, बाजार में फिर क्या जाएगा, क्या सब लोग फिर कंट्रोल ही जाएंगे क्या,
कंट्रोल जाना कोई नहीं पसंद करता, जहां जाता है। FCI purchases food grains from food surplus states at pre-announced price. It is called minimum support price. अब रिपीट करो। मैं दूसरा बताऊँ क्या? बताओ, The farmers are paid a pre-announced price for their crops. This price is called minimum support price. समझे? तो FCI purchases food grains from food surplus production states at pre-announced MSP decide कौन करता है? MSP state का काम है। है तो ये चीज है, लेकिन मुख्य लोग मानते हैं, लेकिन सारी चीज जैसे उनको फर्टिलाइजर देना ये सब, ये टोटल स्टेट का काम है। स्टेट, हर एक स्टेट में अलग अलग चीज होती है, इसलिए एक सबसे बड़ा पॉइंट हो गया है कि अगर सब कुछ स्टेट ही कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सरदर्द क्यों ले? MSP के लिए वो इकट्ठा कर करके कहाँ रखेगी? तुम तो बेचते जाओ, जैसे कोई कपड़ा वाला कहे मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा है, गवर्नमेंट से कहे मेरा कपड़ा भी लो, ऐसे जूते वाला चप्पल वाला कहे मेरी चप्पलें भी लो, तो गवर्नमेंट कहाँ रखेगी? ऐसे किसान कह रहा मेरा सामान लो, जबरदस्ती क्या गवर्नमेंट करेगी क्या उसका? तुम्हारे तुम सोचो बिक जाए मेरा, ऐसे तो सभी लोगों का बहुत सामान नहीं बिक रहा, क्या सब गवर्नमेंट को बेचने लग जाए? उसके पास कहाँ पैसा है और वो लाएगी कहाँ से? जो MSP के डिमांड कर रहे हैं, अगर सारे सैनिकों को हटा दिया जाए बॉर्डर से तब इनकी डिमांड पूरी हो, इतना ज्यादा 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, क्या संभव है? तो इस तरीके से इट इज कॉल्ड MSP। अब अगला देखिए, हाँ बोलो, इसके आगे भी था ये। इसके आगे बोलो, the MSP is declared by the government every year. ये लिखो, before every sowing season. ये सही बता रही हूँ, देखो MSP is declared. तो इससे लोगों को पता होगा कि इतने में तो मेरी चीज बिकी जाएगी। Every year, ये तब से शुरू हुआ ना जब 1990 में गन्ना किसानों ने अपनी फसलें जला दी, मल्चिंग कर दी, क्योंकि गन्ना कोई खरीदने को ही नहीं तैयार, इतना गन्ना हो गया, और शुगर मिल में पहले से ही चीनी बहुत थी, तो इस वजह से लोग फिर चीनी नहीं ले रहे थे, तो गन्ना नहीं लिया, तो फिर किसानों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा साल भर उगा रहे, तो फिर गवर्नमेंट ने उनके सपोर्ट के लिए फिर MSP दी। फिर अगले साल उन्होंने गन्ना उगाया ही नहीं, फिर गन्ने की स्कर्सिटी हो गई। जब इस साल नहीं मिला तो कोई अगले साल उगाएगा? पूरे यूपी में किसी ने गन्ना नहीं उगाया। तो ये इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए हर साल रेगुलर बेनिफिट है। इट इज अनाउंस्ड, इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर बाय गवर्नमेंट। सेंटेंस पूरा करो देविका, बोलो। बिफोर सुना करो, बिफोर सोइंग क्रॉप, हर साल ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है? नाउ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लिख ही दिया, वही लिख दिया ना कि फूड ग्रेन्स, जो पहला वाला है ना यही है पूरा बफर स्टॉक। That is question number 9A. Next is issue price. Issue price, सुहाना बताओ issue price क्या है? कुछ idea लग रहा है? It is the price at which government sells food grains to the poorer strata. Poorer strata, जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको जो प्राइस पे खा दिया जाता है ग्रेन, वही इशू प्राइस। सो इट इज द प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच फूड ग्रेन्स आर मेड अवेलेबल, फूड ग्रेन्स आर मेड अवेलेबल
टू पुअर स्ट्रेटा, पुअर स्ट्रेटा का मतलब है गरीब तबके के लोग, ये पुअर पीपल भी ले सकते हैं बाय गवर्नमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रेट, ये चीज हो गई कंट्रोल रेट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल रेट। नमन फेयर प्राइस शॉप क्या होती है? नहीं ठीक ही बताओ। हाँ अभिषेक फेयर प्राइस शॉप क्या? वही फेयर प्राइस शॉप है, यानी वो अलग है और ये बीपीएल वाला अलग है, दो अलग अलग चीज है ना। कहीं कहीं 2 रुपए किलो फेयर प्राइस शॉप में थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन बीपीएल सिर्फ 2 ही करोड़ों पर है और राशन से तो कम ही मिलेगा। हम मार्केट से तो मतलब राशन शॉप अलग है, जो 2 रुपए किलो गेहूं है वो अलग चीज है ना। ये बात है। देखो फेयर प्राइस शॉप राशन शॉप दैट कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुगर केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग। दिस इज राशन शॉप, ठीक है, दैट कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स एग्जाम्पल शुगर एंड केरोसिन। It's at a price lower than the market price. At a price lower than the market price. It is government sponsored shop. ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित या चलाई जाने वाली। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप? क्या कोई समस्या आती है, लोग क्यों नहीं लेने जाते हैं राशन शॉप? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप? सम ऑफ द राशन शॉप डीलर्स सेल ओनली पुअर क्वालिटी ना, यानी जो अच्छी क्वालिटी गवर्नमेंट ने भेजी उसको बाहर बेच दिया और खराब चीज ले आए राशन शॉप ने, वो लोगों को दिया, ऐसा हो सकता है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फंक्शनिंग of ration shops? देखें क्या ये बतानी, क्या वही चीज है। PDS dealers are sometimes found restoring to mal practices like diverting the grains to open market at better margin and selling poor quality grain at ration shops। सही बात है। और इसके अलावा irregular opening of the shop, कभी खोली कभी नहीं खोली, महीने में 4 ही दिन खोली, रोज नहीं खोलते कि पूरा दिन खोल के बैठे। So, राशन शॉप FCI के अंदर क्या? हाँ कंट्रोल रेट होगा, कहीं कंट्रोल अपना भंडारण करते हैं। द PDS डीलर, सम PDS डीलर्स डू माल प्रैक्टिस हेरा फेरी। माल प्रैक्टिस का क्या मतलब है? हेरा फेरी, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। सो डू मॉल प्रैक्टिस, दे सेल, दे डाइवर्ट गुड फूड ग्रेन्स
नमन पूरा करो सेंटेंस, गुड फूड ग्रेन्स बोलो टू द ओपन मार्केट। बिल्कुल सही, टू ओपन मार्केट। अब वो कितना देखे कि हमने क्या दिया, और फिर वो वही वो दे रहे हैं कि नहीं, और सबको सबकी इसमें बंदी होती है, पत्ती बंदी होती है, इतना परसेंटेज हमें देना देते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट एंड सेल बैड क्वालिटी ग्रेन्स। क्वालिटी ग्रेन्स टू बीपीएल कार्ड होल्डर, ग्रेन्स टू बीपीएल कार्ड होल्डर्स। ठीक है, दे आल्सो ये लीनियंट इन ओपनिंग देयर शॉप्स रेगुलरली, बहुत ढीले डाल रहे हैं। डेली दे कैन नॉट फुलफिल द कोटा टाइमिंग। कोटा टाइमिंग यानी मतलब बताओ, ले नहीं पाते खाने। कोटा टाइमिंग ठीक है, ये कोटा टाइमिंग। हाँ, जैसे बता रहे कि कोटा में डेथ बहुत हो रही है ना, जो बच्चे पढ़ रहे तो इसीलिए तो कोचिंग बंद हो रही है। अब जैसा उन्होंने बता दिया इसको भी लिखेंगे ना। अब पहली बात है कि इरेगुलर, सो they all are also not regular in opening their shops. regularly open bhi nahi kar rahe hain, opening abhi ye kya keh rahi hai zara hum dekhein shop iska kya matlab hai. second point, it is common to find that ration shops regularly have unsold stocks of poor quality grains left. It is common to find ration shops regularly have unsold stock of poor quality grains left. बहुत सारे राशन शॉप पे आया, बहुत सारे लोग कंट्रोल पे गए ही नहीं सामान लेने, तो उनके पास ये देखा जा सकता है कि अनसोल्ड पुअर स्टॉक का क्वालिटी का बचा ही हुआ है, तो वो घटिया सामान ले आए। When ration shops are unable to sell a massive stock of food grains piles up with the FCI. जब तुम खराब बेचोगे, तुम्हारे पास खराब अनाज पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में फूड ग्रेन्स FCI तुम्हारे पास आएगा कि तुम्हारा सामान बिका नहीं, तुम दिखाओगे लोग लेने ही नहीं आ रहे, तो FCI तुम्हें देगा ही नहीं। तुम्हारे अंडर में 1000 BPL कार्ड होल्डर है, 10 ही लोग आ रहे हैं लेने, तो क्या तुम्हारे पास FCI के ट्रक 10 लोगों का खाना देंगे? तुम अपने रजिस्ट्रेशन दिखा रहे 10 लोग लेने आए, तो जब 10 ही लेने आ रहे हैं तो तुम्हारे दुकान में वो ट्रक क्यों उतरवाएगा? क्योंकि तुमने उनको घटिया बेचा, तो घटिया बेचने के बाद अगले महीने कोई आएगा लेने? तो जब तुम अच्छा नहीं बेचोगे तो अल्टीमेटली ये चेन रुक जाती है, फिर FCI के पास क्या होगा, देयर विल बी ओवर स्टॉक एंड रॉटनिंग ऑफ फूड। तो FCI ने खरीद तो लिया किसानों से, लेकिन वो PDS में डाली नहीं पा रही, क्योंकि माल प्रैक्टिस तो राशन शॉप वाला ही कर रहा है कि नहीं। तो इट इज ऑफन सीन दैट अनसोल्ड स्टॉक ऑफ ग्रेन्स इज लेफ्ट ओवर। ये लेफ्ट ओवर तो कहां पे होगा? एट राशन शॉप, एट राशन शॉप। व्हाई दिस? सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ BPL कार्ड होल्डर टू बाई पुअर क्वालिटी ग्रेन्स, क्योंकि वहां माल प्रैक्टिस हो चुकी है। ड्यू टू लैक ऑफ, ढीलापन, लैक ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज पुअर क्वालिटी ग्रेन थ्रू राशन शॉप। और इसके बाद क्या होगा नोएल? सो FCI
अनेबल टू रिप्लेनिश न्यू स्टॉक, एफसीआई फिर देगा नहीं जब तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। सो एफसीआई अनेबल्स टू रिप्लेनिश न्यू स्टॉक एंड फूड ग्रेन पाइल्स अप इन ग्रेनरीज एंड गेट रॉटन एंड फूड ग्रेन। सबसे अच्छा अगर हम देखें आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया था और अभी तक चल रहा है, तो फूड ग्रेन पाइल्स अप इन ग्रेनरीज एंड गेट रॉटन, तो यही समस्या आती है। कुछ पिछला ही अनाज सड़ रहा है और सरकार को किसान बोले हमसे और खरीदो, सरकार क्यों नुकसान में जाएगी, कोई नहीं बच पा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। सो मदर डेरी इन दही सेल्स मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द पीपल एट रीजनेबल रेट व्हिच इज डिसाइडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सही है। नाउ राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकारी संस्थाओं का क्या योगदान है फूड और रिलेटेड आइटम्स में। राइट अ नोट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कई लोग मिलकर चलाते हैं, द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव में कॉर्पोरेट तो बहुत अमीर होते हैं, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट नहीं होते हैं। तुम अमीर घर की हो इसलिए तुम सबको अमीर ही समझ लेंगे। राइट नोट ऑन कोऑपरेटिव, जो आपस में कोऑपरेट करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल सच एज मदर डेयरी इन इंडिया इन दिल्ली। कोऑपरेटिव इन प्रोवाइडिंग फूड इन प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। वैसे अमूल भी उसी में आएगा, पूरे गांव के गांव लोग चलाते हैं और गुजरात से जो गाड़ी आती है ना पालम, पालम में मैं 5 साल रहा हूँ, पूरा दोनों तरफ जितने भी खिड़की हैं दूध के डिब्बे ही टंगे रहते हैं, वो वहां के बिकते हैं। गुजरात से आती देवी, अहमदाबाद से दिखी और रहते हैं। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी स्पेशली इन सदर्न, साउथ इंडिया में बहुत चलती है, सदर्न एंड वेस्टर्न, महाराष्ट्र में भी बहुत चलती है, गुजरात में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, तो वहां इनका बहुत योगदान है। जैसे नितेशु ने बताया कि अमूल दूध बेचा जाता है, ठीक है। दीज सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, दीज society set up shops to sell commodities, commodities का मतलब है खाने पीने की चीजें ना, commodities at low price, 94% fair price shops are being run by cooperatives। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु 94% फेयर प्राइस शॉप, जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा था प्राइस शॉप
अगर ईमानदार लोग चलाएं तो आपको मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है, हर दुकान कंट्रोल रेट हो जाएगी, क्योंकि सबको तो सारे लोग अगर कंट्रोल सही लें तो कितना अच्छा हो जाए, गवर्नमेंट उसको देगी वहां से बेच दे, तो पीडीएस में आ गए कि नहीं हर एक चीज, तो 94% वहां तुम जहां भी जाओगे वो कंट्रोल ही है, ठीक है। और कई बार इतना उनके पास अनाज पड़ा है कहो तुम्हारा कार्ड भी ना देखे ऐसे ही दे दे, क्योंकि पड़ा है तो उसको क्या लेना देना, आ रहा है तो लेते जाओ बैठे ही हो तो, ठीक है। पर यानी वो क्या है कि जैसे सबको 15 में दे रहा है, तुम चले गए बिना कार्ड के तो 16 में दे देगा, बस इतना और नहीं कर सकते। तो फेयर प्राइस शॉप आर रन बाय बीइंग रन, क्योंकि ये पैसे वाइज बीइंग रन बाय कोऑपरेटिव्स शॉप्स, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले क्या है। अब जरा देखिए इन डेली मदर डेयरी, वहां मदर डेयरी चलता है, अमूल नहीं चलता है, इन डेयरी मदर डेयरी इज रन, ठीक है, वो नए आयाम खड़े कर रही है मदर डेयरी, इट इज नॉट ओनली सेलिंग मिल्क बट ऑल्सो वेजिटेबल, वहां वेजिटेबल ही मिलता है मदर डेयरी की संस्था, इज नॉट ओनली सेलिंग मिल्क बट ऑल्सो वेजिटेबल, हम लोगों ने बहुत बार वहां से लिया है, सस्ता मिलता है, एक बार खराब भी मिल जाता है, इस तरीके से वहां मिल जाता है। अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी इन गुजरात एज ए मिल्क प्रोड्यूसर इन गुजरात, वैसे डेनमार्क को दूध का कटोरा कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी अमूल भी एक भारत में अच्छी कहानी करता है। Is another success. It has brought about white revolution in India. बिल्कुल सही है। इस स्टोरी, ठीक है? In milk production. इन गुजरात इसने ही श्वेत क्रांति लाई है गुजरात। Many more cooperative societies are running in different parts of country by different sections of people. Thank you.